वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंकी पॉक्स को वैश्विक बीमारी की तरफ से घोषित किया गया है। ऐसे में तमाम देशों में मंकी पॉक्स पहुंच गया है। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। लेकिन भारत इससे अभी सुरक्षित है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से और खास तौर पर महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी की तरफ से बीमारी आने से पहले त्योहारों के मौसम में मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। मुंबई के 7 हिल अस्पताल में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए खास तौर पर 14 बेड का स्पेशल जो वार्ड है वो यहाँ बनाया गया है। और ऐसे में त्योहारों का मौसम है, ये जो बीमारी है वो संसर्गजन बताई जा रही है, यानी कि ये लोगों में फैलती जाती है। और ऐसे में इस बीमारी को देखते हुए तैयारियां जो है वो यहां पर कर ली गई है। ये एक कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह से 14 जो बेड हैं वो बनाए गए हैं यहां पे कतार में। डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो बीएमसी के अधिकारिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर, चलते चलते और बेड्स दिखाते हुए मुझे बताएं कि क्या कुछ और तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं। अभी तो मंकी पॉक्स के बारे में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टीम और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की टीम ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसके तहत हमें बताया गया है कि तैयारियां करके रखनी होगी। और ये तैयारियों के तहत हमने ये 14 बेड का वार्ड रेडी कर दिया है। उसमें ये एक डीएनए वायरस है, ये कंटेजियस है, कोविड की तरह वो हवा से नहीं बल्कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और जो मटेरियल यूज करते हैं एक दूसरे के मटेरियल का शेयरिंग करना, इसकी वजह से ये होता है। इसी वजह से हमने ये आइसोलेशन वार्ड में हर एक पेशेंट को अपनी अपनी सुविधाएं के तहत एक बेड की तैयारी करके रखी है और जिसका सेल्फ कंटेन होगा। और ये इतने ज्यादा सीवियरिटी में नहीं होता, लेकिन जिनका इम्यूनिटी लो है उन्हीं में कभी कभी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने ये इस तरह से पूरी तरह से तैयारी करके रखी है। जो डॉक्टर कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 7 अस्पताल में बनाया गया स्पेशल वार्ड है, जहां पे बेड्स के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी रखी जाएंगी जब मरीज आएगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है कि अभी फिलहाल कोई मरीज नहीं है, और 7 हिल अस्पताल इसलिए चुना गया है कि यहां पर बेस्ट फैसिलिटी मिलती है और एयरपोर्ट के नजदीक है। एयरपोर्ट पर बीएमसी की तरफ से जो स्क्रीनिंग है वो भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर कुमार, आप मुझे बताएं कि जो एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है उन लोगों से आपकी टीम संपर्क में होती है? हाँ, हमारी टीम और एयरपोर्ट की एक नोडल टीम बनाई है, वो हर एक पेशेंट को स्क्रीन करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं, बुखार, थकान और बदन दर्द के साथ साथ बहुत ही कार्डिनल फीचर ये होता है कि उनको पैपुल मतलब फोड़िया आती है, और वो फोड़ियों से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का पेशेंट है, और उसी हिसाब से उनको आइसोलेट किया जाता है। और टेस्टिंग के सैंपल भेजने के नतीजे आने के बाद फिर उसके ऊपर बाकी के इलाज किए जाते हैं। तो डॉक्टर कुमार इसको हेड करें, मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद है। आप मुझे बताएं कि बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बचाव के लिए तो सबसे पहले हमको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोविड में मास्क पहनते थे, अभी भी हमको मास्क पहनना कंटिन्यू रखना चाहिए। जो पेशेंट है अगर पॉसिबल है तो वो भी ट्रिपल लेयर का मास्क पहन सकता है। और इसके अलावा हाथ धोना, कहीं बाहर से आते तो हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना। और अगर पेशेंट अगर आता है, अभी तो है नहीं पेशेंट्स, अगर कोई आता है तो उसको आइसोलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर कुमार, अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने रूम्स हैं और पर रूम में कितने बेड्स हैं? अभी यहाँ पे हमने आइसोलेशन में टोटल 14 रूम है और 14 बेड के हिसाब से हर रूम में हम एक पेशेंट, अगर पेशेंट आएंगे तो हर पेशेंट एक पेशेंट एडमिट कर सकते हैं, और अगर बढ़े तो एडिशनल एक एक बेड है जिसमें भी सस्पेक्टेड को रख के किया जा सकता है। तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट के मरीज हैं, जो दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, जिनके एक दूसरे के साथ कपड़े या अदर मटेरियल शेयर किया है, उनको सस्पेक्ट ट्रीट करके उनकी जांच की जा सकती है। अभी तक कोई सस्पेक्ट ऐसा कुछ मिला है मुंबई में एयरपोर्ट पे आप लोग? अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली है। तो मैं मंकी पॉक्स के स्पेशल वार्ड में मौजूद हूँ 7 हिल अस्पताल में। यहाँ पर इस तरह से बेड्स बनाए गए हैं, आप देखेंगे तो जिस तरह कोविड में इंतजाम किए गए थे सरकार की तरफ से, उस तरह के इंतजाम हैं। और त्योहारों के पहले खासतौर पर बीएमसी अलर्ट पर है, क्योंकि स्क्रीनिंग की जा रही है और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा जो बीमारी है उसकी तरफ से घोषित किया। डॉक्टर बता रही है मुझे कि मास्क पहनना इसमें जरूरी है, तो मास्क और बेसिक अपनी सुविधाओं से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे में तैयारियां जो है वो इस वार्ड में खासतौर पर कर ली गई। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस उम्र के लोगों में खासतौर पर ये बीमारी देखी गई है?
इसके लिए उम्र तो कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है, सभी उम्र के लोगों में ये देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई हम ट्रैवल जो करते हैं तो ट्रैवल मोस्टली मिडिल एज के लोग ज्यादा करते हैं या ओल्ड एज के पीपल भी ज्यादा कर सकते हैं, तो मिडिल एज में सस्पेक्ट होने के चांसेस या फिर थोड़ा छोटा माइल्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ओल्डर पीपल में कोमॉर्बिडिटीज भी रहती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए मास्क यूज करना बहुत कंपलसरी रहेगा। बचाव और सुरक्षा बिल्कुल वैसी करनी जैसे हम कोविड में करते थे। बचाव और सुरक्षा वैसी ही करनी है जैसे कोविड में करते थे। इसमें बस एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आप जो एक दूसरे का सामान शेयरिंग करते हैं तो सस्पेक्ट अगर आपको लग रहा है तो शेयरिंग थोड़ी सी घटाए और सस्पेक्टेड पेशेंट को अर्ली आइडेंटिफाई करें। एक मेरा जरूरी सवाल है, क्या इसमें डेथ भी हो रही है इस मंकी पॉक्स के मामले में? नहीं, डेथ इसमें कम है। अगर देखा तो 2-10% लिटरेचर में लिखा हुआ है, बट अभी तक ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि डेथ हुआ है। भले डेथ नहीं है लेकिन हमको उसको सीरियसली लेना है। हाँ, जिसमें जो जिनका इम्यूनिटी कम है, कोमॉर्बिडिटी है, अदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज है, जिसमें अगर ये इन्फेक्शन लंग के तरफ और बाकी ऑर्गन की तरफ गया तो ही उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन के चलते डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रिकॉशंस रखना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, आइसोलेट करना और सिम्टोमेटिक इलाज लेना बहुत जरूरी है और कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करना। जी, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं डिटेल में, इन्होंने समझाया कि यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जिस तरह की चीजें, जिस तरह के इलाज इन्होंने बताया अगर आप उन चीजों का पालन करते हैं। लेकिन फिलहाल खास तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के साथ डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग हुई, उसके बाद बीएमसी ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू की और तैयारी के तौर पर आप देख सकते हैं कि 14 बेड का स्पेशल वार्ड मंकी पॉक्स को लेकर मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में बनाया गया है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग जो है वो लगातार जारी है, उसको इसकी टेस्टिंग को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। सबसे सकारात्मक खबर इस बात में कि फिलहाल कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।